नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारा वाईफाई टीच साला यूट्यूब चैनल। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ जो हमारा डेली क्विज आते हैं। यहाँ पे आपको बता दें, हार्ट ऑन टेस्ट में आने के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर की स्पेशल हम जो तैयारी करवा रहे हैं, डेली क्विज यहाँ पर आता रहता है। तो उसका पार्ट नंबर 12 है और पहला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन पे डाउट होता है तो हमें बिनी संकोच दिल खोल के बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि सर इस पे हमें डाउट, आप चेक कर लीजिए एक बार ताकि मैं चेक कर सकूं और आपका जो एग्ज़ाम अच्छे से हो पाए। तो यहाँ पे चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है आज का, इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी ए कंप्लायर मीन्स, उत्तर आएगा ए प्रोग्राम विच ट्रांसलेट्स सोर्स प्रोग्राम इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। ऊपर क्वेश्चन होता है जो रेड रंग में होता है, नीचे पीले कलर में होता है, वो आंसर होता है, ठीक है। अगला, ए मॉडर्न फास्ट मेन फ्रेम डिजिटल कंप्यूटर कैन परफॉर्म अप टू खालिस्तान ऑपरेशंस पर सेकेंड, ये यहाँ पे दिया गया है, आप नोट कर लीजिए। सीधा संबंध है नो एक और नो जीरो, आप ये याद कर लीजिए। ऐसे तो आपको याद नहीं होगा, याद भी कर सकते हो, इकाई दहाई से आप पढ़ा सकते हो। देखिए ऐसे पढ़ा लीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख करोड़ दस करोड़ अरब, यानी कि एक अरब जो भी है। नेक्स्ट, ए टर्म यूज्ड इंटरचेंजेबली विद डिस्किटी इज, उत्तर आएगा फ्लॉपी डिस्क। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक नॉर्मली एसोसिएटेड विद ए लार्ज स्केल कंप्यूटर सिस्टम इज, उत्तर देखिए पहला है रियल टाइम प्रोसेसिंग, ए कम्प्लेक्स अरे ऑफ ये डिवाइस और ए सी पी यू ऑफ 1000 के और ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सभी इसका उत्तर आता है। नेक्स्ट, ए सॉफ्टवेयर पैकेज जनरली यूज्ड विद इन ए डिस्ट्रीब्यूट वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम इज, उत्तर आएगा एटीएम। अगला है, एन एडवांटेज ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ड प्रोसेसिंग नेटवर्क इज, उत्तर आएगा लेस डेली इन इंटर ऑफिस कम्युनिकेशंस। नेक्स्ट, रोम इज कंपोज ऑफ, क्या है देखिए, मैग्नेटिक कोर्स CORES। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज द मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू मैन मेमोरी, उत्तर आएगा टेम्परेरी जो भी है। आप कोई स्पेलिंग मिस हो उसका ध्यान से थोड़ा कर लेना, हो सकता है कोई करेक्टर मिस हो जाए, ठीक है। अगला, द बी सी डी कोड फॉर द करेक्टर इज कंपोज ऑफ, उत्तर आएगा ए फोर एंड टू बिट। नेक्स्ट, ए मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इज ए मशीन दैट इज मिंट ऑफ, उत्तर आएगा इनपुट स्टोरेज मैनिपुलेशन एंड आउटपुटिंग ऑफ डाटा। अगला, द ऑपरेशन ऑफ ए डिजिटल कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन खालिस्तान प्रिंसिपल, उत्तर आएगा काउंटिंग। नेक्स्ट, द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ ए मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर इज, क्या है देखिए जो डेफिनेशन पूछी यहाँ पे, देखिए एन इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटेड मशीन तो अगला है द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ ए मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर, देखिए आंसर आएगा इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटेड मशीन दैट कैन सोल्व प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग वर्ड एंड नंबर्स। नेक्स्ट, ए मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर हैज, तो देखिए एक्सट्रीमली हाई स्पीड लार्ज मेमोरी ऑलमोस्ट अनलिमिटेड एक्यूरेसी ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये सभी ये रखता है। नेक्स्ट, द ई बी सी डी आई सी कोड फॉर द करेक्टर्स एक्स विद ऑड पैरिटी इज, और पहले था वो W वाला था, अब यहाँ पे एक्स वाला आ गया, आप ये देख सकते हैं, जो याद कर लीजिए, एक के गिन लीजिए आपके जितने भी बनते हैं।
अला मार्क द रोंग स्टेटमेंट ए डिजिटल कंप्यूटर स्कोर्स ओवर एंड एनालॉग कंप्यूटर इन टर्म्स ऑफ उत्तर आएगा कॉस्ट। नेक्स्ट ए प्रेफर्ड डिवाइस यूज्ड इन वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम इज उत्तर आएगा फ्लॉपी डिस्क मैग्नेटिक एंड कार्ड रीडर सीआरटी ऑल ऑफ द अबव यानी कि सभी इसके उत्तर आता है। नेक्स्ट द फर्स्ट मशीन टू सक्सेसफुली परफॉर्म ए लॉन्ग सीरीज ऑफ अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन वाज उत्तर आएगा मार्क वन। नेक्स्ट इन रिफरेंस टू ए कंप्यूटर एंड असेंबलर इज ए उत्तर आएगा क्या है प्रोग्राम है। नेक्स्ट व्हाट इज द नेम ऑफ द लैंग्वेज विच कंसिस्ट ऑफ ए स्ट्रिंग्स ऑफ 1s एंड 0s एंड इज द ओनली वन विच द कंप्यूटर एंड कैन अंडरस्टैंड डायरेक्टली उत्तर आएगा मशीन लैंग्वेज। ये जहाँ पे लैंग्वेज का से जुड़ा पर्सन मिलता है और ये एक और ये जीरो मिलता है तो वहाँ पे मशीन लैंग्वेज उत्तर आएगा। ये याद कर लेना, लंबे क्वेश्चन है, याद होना बड़ा मुश्किल है लेकिन शॉर्ट रास्ता ये है। अगला है द ओनली लैंग्वेज विच इज मशीन स्पेसिफाइज एंड विच ए कंप्यूटर अंडरस्टैंड डायरेक्टली इज कॉल्ड उत्तर आएगा मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज यहाँ भी ठीक है। नेक्स्ट कंप्लायर एंड इंटरप्रिटर्स आर themselves उत्तर आएगा प्रोग्राम्स। नेक्स्ट व्हाट इज द नेम ऑफ द आउटपुट फ्रॉम आइदर ए कंप्लायर कंपिलर और एन असेंबलर उत्तर आएगा ऑब्जेक्ट कोड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है यहाँ पे वेयर ए हायर लेवल लैंग्वेज कुड रिमेन द सेम फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर ईच कंप्यूटर रिक्वायर्स इट्स ओन उत्तर आएगा कंपिलर। नेक्स्ट ए करैक्टरिस्टिक ऑफ कार्ड सिस्टम इज क्या है देखिए स्लोनेस इन प्रोसेसिंग डाटा यूजिंग कार्ड एज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन जो भी है। अगला है निडलिंग ए लार्जर डीपी स्टाफ अगला है ऑल ऑफ द अबव यानी कि सभी इसका उत्तर आएगा। अगला है एडवांसेस इन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर जनरली क्लासिफाइड इनटू जनरेशंस वी आर करेक्टली इन विच जनरेशन उत्तर आएगा फोर्थ जनरेशन। ये क्लासिफाइड जो सॉफ्टवेयर मिलता है ना आपको जनरेशन हार्डवेयर कंप्यूटर वाला सॉफ्टवेयर वाला तो उसमें फोर्थ करना अपने जनरेशन। द फील्ड नेम असाइंड टू कार्ड फील्ड शुड उत्तर आएगा इंडिकेट द टाइप ऑफ डाटा आइटम्स द फील्ड विल कंटेन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वर नॉट यूज इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आएगा मैग्नेटिक कोर। नेक्स्ट है Which of the following was not associated with second generation computers? उत्तर देखिए all of the above were associated with second generation computer. Next, the card type that required you to return a portion of it with payment is the उत्तर आएगा stub card. Next, a 5-digit card filled used for postal zip कोड इज डिफाइंड एज उत्तर आएगा ए न्यूमेरिक फील्ड। नेक्स्ट है द गंग पंचिंग ऑफ कार्ड इज परफॉर्म्ड ऑन द उत्तर आएगा रिप्रोड्यूसर। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज वीडली यूज इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एज वेल एज बिजनेस उत्तर आएगा पास्कल। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड इन ए स्टूडेंट फाइल कैन बी यूज एज ए प्राइमरी की प्राइमरी कीज यानी सोशल सिक्योरिटी नंबर
ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स इन ए स्टूडेंट फाइल्ड कैन बी यूज्ड एज ए प्राइमरी की। उत्तर आएगा सोशल सिक्योरिटी नंबर। नेक्स्ट है, द वेरी स्मॉल एंड चीप कंप्यूटर बिल्ड इन टू मैनी होम डिवाइस इज कॉल्ड कल्तान कंप्यूटर। उत्तर आएगा माइक्रो कंप्यूटर। नेक्स्ट, द एडवांटेजेज ऑफ मैग्नेटिक टाइप टेप इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। उत्तर आएगा डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज मीडियम। नेक्स्ट, करंटली द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज इज। उत्तर आएगा डिस्क। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वोलेंटली वोल्टाइल मेमोरी। वोलेंट मेमोरी जो भी है, वोल्टाइल मेमोरी। उत्तर आएगा रोम। नेक्स्ट, खालिस्तान कैन बी प्रोग्राम्ड वन टाइम बाई आइदर द मैन्युफैक्चर और द कंप्यूटर यूजर। वंस प्रोग्राम्ड इट कैन नॉट बी मॉडिफाइड। उत्तर आएगा पी रोम। नेक्स्ट, द सीपीयू कैन परफॉर्म रीड और राइट ऑपरेशन एट एनी पॉइंट इन टाइम। उत्तर आएगा रोम, पी रोम, ई पी रोम, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, द पैरिटी बिट इज एडिड फॉर पर्पज। उत्तर आएगा कंट्रोलिंग। नेक्स्ट, कंपेयर्ड विद सेकेंडरी स्टोरेज प्राइमरी स्टोरेज, प्राइमरी स्टोरेज इज। उत्तर आएगा सिक्वेंशियल इंडेक्स्ड एंड डायरेक्ट। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू चेक फॉर एरर इन रैम चिप। उत्तर आएगा पार्टी चिप। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज टू क्विकली एक्सेप्ट स्टोर एंड ट्रांसफर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस दैट आर बीइंग यूज्ड इमीडिएटली बाय द सीपीयू। उत्तर आएगा रजिस्टर्स। नेक्स्ट, व्हाई इज द विड्थ ऑफ ए डाटा बस सो इम्पोर्टेंट टू द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ ए कंप्यूटर। उत्तर आएगा द विडर इट इज द ग्रेटर द कंप्यूटर इज प्रोसेसिंग स्पीड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ ए मैग्नेटिक डिस्क। इसमें आपको ऑप्शन मिलते हैं, जैसे ऑप्शन में आपको ये उत्तर करना है जो यहाँ पे दिया गया है। It does not provide an automatic audit trial. Next, the first mechanical computer designed by Charles Babbage was called. देखिए क्या analytic analytical engine जो भी analytical engine जो भी है आप देख लीजिए। अगला, the modern abacus which uses small beads struck on counting frames is still being used in some oriental counters like China and Japan. How would you classify this calculator? ये पहले आया हुआ question note कर लीजिए और digital इसका answer आता है, आएगा ये की बार भी। Which of the following is true of digital computers? उत्तर आएगा it represents the decimal numbers through a string of binary digits. Next, Which of the following is not true of primary storage? उत्तर आएगा it storage the book of data used by a computer's application. Next, the technical of places software or programs in a ROM semiconductor chip is called. उत्तर आएगा firmware. IBM 7000 digital computer क्या देखिए has modular कंस्ट्रक्शंस। तो प्रिय साथियों, यहाँ पे हमारा ये क्विज खत्म हुआ, 12वां क्विज। और आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट जरूर करें, और कोई क्वेश्चन आपको लगता है गलत है कमेंट अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।